ने बोला था कल कि हम लोग जो है ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा ओके बाबा ने बोला था वतन कभी खाली नहीं होता, ना ये हाँ ना वो, सारा खाली हो जाए तो प्रलय हो जाएगी। करेक्ट ओके थैंक यू चेतना मैम। मनीष भाई बताइए। हाँ मनीष भाई ठीक है। हिमा दीदी आप बताइए। ज्ञान से सद्गति होती है, तो इसका मतलब भक्ति और ज्ञान अलग-अलग है। ओके ठीक है। ओके तुलसी दीदी आप बताएंगे। ठीक है मानसी बहन आप बताएंगे। हाँ जी, कल बाबा ने बताओ बताया था कि हमारे हमें जो प्रीत लगानी है, मीरा जैसी की काम करती थी, खाती हाँ थी, रहती थी, पर जो उसका दिल था वो एक कृष्ण में था, वैसे हमें बाबा में दिल लगाना है। ओके थैंक यू मानसी बहन। हाँ तो दीदी बताइए। हाँ, म्यूट म्यूट था असल में। हाँ, तो हाँ बाबा ने कहा कि सच्ची सच्ची सद्गति का अर्थ शिव बाबा सच्चे सदगुरु ही आकर बताते हैं। और बाबा ने कि ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि राधे कृष्ण का घराना नहीं होता, तो जब वो राजा राजाई पे बैठते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पद पे, तब घराना और डायनेस्टी दोनों शुरू होते हैं। शुरू होती है। वंडरफुल ओके कृष्णा बहन बताइए। ममता दीदी आप बताएंगे। प्रतिबेन, आप मेरे को ना अनम्यूट कर दिया करो, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरे से अनम्यूट नहीं होता वो अनम्यूट मैं नहीं कर सकती हूँ आप ही कर सकते हो। है। अच्छा, कल हाँ कोई नहीं बोलिए। मैंने बाबा के गाने का बहुत अच्छा पा के तुम्हें जहां पा लिया है। अच्छा ठीक है। हाँ मनीष भाई बताइए। मैं आई वाज अवे। एक पॉइंट था कि कहीं हम लोग समझते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने से अध्ययन करने से भक्ति यज्ञ तप करने से हम परमात्मा को पा सकते हैं, लेकिन ये सब करने से एक्चुअली दूर होते हैं हम लोग। बाबा ने यही कहा। बहुत बढ़िया मनीष भाई। ममता दीदी आप बताएंगे। अच्छा नीतू बहन आप बताएंगे। ओके श्वेता बहन ने बताया है रूहानी सेवा करना है, गृहस्थ में रहकर तोड़ निभाना है। ओके थैंक यू श्वेता बहन, थोड़ा मुझे टाइम लगा समझने में। ठीक है आज की मुरली है 2 अप्रैल 2021। बाबा ने बोला है मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने, तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। क्या मतलब है इसका? तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? अनुभवी मूर्त बनने की बात बाबा कर रहे हैं कि अनुभवी होंगे अच्छा आप जब सर्विसेबल बनेंगे तो। अच्छा और बताइए क्या कह रहे हैं बाबा। हाँ हिमा दीदी सर्विसेबल जब बनेंगे तब हमारा चिंतन भी ज्यादा चलेगा, तो ज्ञान की और डांस भी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। कहते ना इट टेक्स टू टू टैंगो, डांस करने के लिए दो चाहिए। तो एक बार पहले की मुरली में बाबा ने बात बोली थी कि जब सयाने बच्चे या जिज्ञासु चात्रक बच्चे सामने बैठे होते हैं तो पॉइंट्स भी बहुत अच्छी निकलती है, बाबा ने ये बात बोली थी। तो इसीलिए हम होशियार सर्विसेबल बनने का पुरुषार्थ करें या बन रहे हों या हम मनन चिंतन कर रहे हो तो ज्ञान के पॉइंट्स बहुत निकल के आएंगे। तो जैसे खुशी में हम डांस करेंगे कि हमें कितने राज पता चल रहे हैं। हाँ कृष्णा क्योंकि बहन मैंने जैसे आजकल हमारे अपने साथ हो रहा है कि हम इतनी ओके ज्ञान के पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब हम सर्विसेबल बच्चे बन गए। बिल्कुल बन रहे हो ना, बिना ज्ञान के सर्विस नहीं कर सकते। सिर्फ 7 दिन का कोर्स कराने से थोड़ी हम लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकते। आप हाँ, ये बताइए। तो 7 दिन तक कोर्स करने से तो कुछ भी नहीं होता, हाँ लेकिन एबीसीडी है वो उस तो। करेक्ट लेकिन उस 7 दिन के कोर्स को अगर हम हमारे ज्ञान डांस के द्वारा दें, ऐसे उनको समझाएं तीर लगता ही जाए तो वो परिवर्तन होंगे। तो परिवर्तन करने के लिए पहले हम गहराई में जाएं, तब दूसरे जब हमें ही विश्वास नहीं है कि ये ज्ञान परिवर्तन कर सकता है तो हम दूसरे को कैसे देंगे? हमें विश्वास कब आएगा?
जब मेरा जीवन परिवर्तन होगा तब विश्वास आएगा ना। मेरा जीवन तो परिवर्तन हो नहीं रहा है और मैं जाके संदेश दे रही हूँ, सब कर रही हूँ, ठीक है उनको संदेश मिल रहा है, क्या पता वो और अच्छे बच्चे हों, वो सयाने बच्चे हों, वो पढ़ाई में लग जाए, लेकिन परिवर्तन तो गहराई में जाने से ही आता है, चीजों को समझने से, है ना। तभी कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज माइट, नॉलेज शक्ति है। बाबा ने प्रश्न पूछा है आज, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी आदत डालते हो? उत्तर दिया है याद में रहने की, यह है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। आज बाबा ने शब्द यूज किया है हॉबी। हॉबी हम कब कर लेते हैं, कब करते हैं? मनीष भाई बताओ एक बार। हाँ मनीष भाई बोल सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, हॉबी कब करते हैं? जब बाकी अपने मतलब मानसिक उससे फ्री रहते हैं बाकी कर्म से, ऐसा तब हॉबी एग्जीक्यूट करने में अच्छा लगता है। अच्छा हाँ दोषी दीदी आप बताइए। किसी भी चीज के लिए जब हम बहुत पैशनेट होते हैं तो वो हमें रिलैक्स करता है, तो वो रिलैक्स करता है इसलिए पैशनेट होते हैं या पैशनेट होते हैं इसलिए पैशनेट होते हैं? पैशनेट होते हैं तो वी रिजॉर्ट टू दोज हॉबीज। पर पैशनेट होने का कारण क्या होता है? दिल से पसंद हो बहुत ज्यादा। उसका कारण क्या होता है? सुख देता है। सुख देता है, राइट। तो कोई चीज जो हमें सुख दे रही है उसको हम एज अ हॉबी करते हैं, लेकिन अगर हम देखने लग जाएं, जैसे मैं गिटार बजाना सीख रही हूँ, मुझे सुख तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या मैं इस हॉबी को कंटिन्यू करूंगी? बिल्कुल नहीं। करेक्ट। तो सुखदायी होनी चाहिए वो चीज, तब वो हमारी हॉबी बनती है। तब बाबा ने कहा है यही है रूहानी हॉबी, कि बाबा के को याद करना, बाबा की याद में रहना इतना सुखदायी हो कि वो ही हम करते रहे और कुछ करने का मन ना करे, लेकिन उसके लिए उसको सुखदायी बनना पड़ेगा। हम अगर जबरदस्ती बैठ रहे हैं, जबरदस्ती याद में बैठ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो हम कभी भी मेडिटेशन में नहीं बैठेंगे, जो हमारे साथ बहुत बार होता है। मजबूरी में नहीं करना है, बाबा ने ये नहीं कहा यह है रूहानी मजबूरी, ऐसे नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने कहा यह है रूहानी हॉबी। आजकल हम ये देख रहे हैं धीरे धीरे जब हम पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो शायद सभी को ये बात स्पष्ट हो रही है कि यही हमारे दिल की इच्छा है, हो रही है ना, ये करना ही मुझे बहुत पसंद है। तभी तो आप लोग, हम लोग सब मिलकर कितनी क्लासेस कर रहे हैं दिन भर में, कितना कुछ पढ़ रहे हैं, कितना कुछ समझ रहे हैं, लगे हुए हैं, पुरानी दुनिया के सुदबुद्ध भूले हुए हैं। तो ये सुखदायी है, लेकिन शायद विधि स्पष्ट नहीं होने के कारण हम लड़ाई में लगे रहते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। तो आज हमें समझना है बाबा की याद मजबूरी बन रही है या हॉबी है। हाँ हिमा दीदी बोलिए। आज गीता में भी कहा है कि जैसे जैसे हम भगवान के साथ जुड़ते जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है और उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। करेक्ट। तो सुखदायी होने लग जाती है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बाबा ने गाना चलाया है आज, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं, वह तो सब है हद की बात, सॉरी डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी, वह तो सब है हद की बात है, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। क्या मतलब है इसका? सुख और दुख का खेल है, सुख भी है दुख भी है, तो ये खेल भी है, और खेल में हमारे पास खेल को खेलने कैसे खेलना है वो हमारे हाथ में है। ये सुख दुख की मजबूरी नहीं है, ये सुख दुख का भाग्य नहीं है,
ये सुख और दुख का खेल है, choices in my hands, कैसे खेलना। बाबा आकर के हमें बताते हैं कैसे इस गेम को खेलना है। बाबा कहते हैं, यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में है, ईश्वरीय औलाद है। तो क्वेश्चन है हमारा सबके लिए कि ईश्वरीय गोद और देवताई गोद में क्या फर्क है। बाबा बोले ना, यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में है, ईश्वरीय औलाद है। ईश्वरीय औलाद बनने में, ईश्वरीय गोद में आने से और देवताई औलाद बनने में और देवताई गोद में आने से क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बताएगा? स्मृति का डिफरेंस है। हाँ, संगम पर हमें ईश्वरीय स्मृति रहती है। उससे क्या फर्क पड़ता है? प्राप्ति में क्या फर्क है बताइए। साक्षी रह सकते संगम पर हम लोग, और सतयुग में साक्षी नहीं हो पाते। वी आर जस्ट प्लेइंग द, जैसे बाबा ने कहा ना कि वो हम लोग वी आर पार्ट ऑफ द गेम, वी आर प्लेइंग द गेम। लेकिन वो तो जीवन मुक्त स्थिति है। ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय गोद में होने का मतलब जैसे अभी हम बाबा की गोद में, बाबा साथ में है। जब हम देवता सतयुग में होंगे तो बाबा साथ में नहीं होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये अभी तो हम लोग उसके लिए जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ प्रारब्ध ही है सिर्फ, वहाँ पुरुषार्थ नहीं है ना, इसलिए। अरे आज आपको बोले पिज्जा नहीं खाना है, हम आपको बनाकर खिला रहे, कौन सा अच्छा लगेगा, बनाकर खाना है या बना बनाया खाना? एकदम ब्राह्मण परिवार, बहुत प्यार से आपके लिए बना के लिए, बनाकर खाना अच्छा लगेगा, खुद बनाकर, छत्र छाया प्रोटेक्शन बाबा की। हाँ तो बाबा इतना परिवर्तन कर देते, प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। करेक्ट। तो बताइए ईश्वरीय गोद और देवताई गोद में फर्क क्या है? श्रुति बहन। हाँ हिमाली, ईश्वरीय गोद में चरती कला है। उससे क्या होता है? हम नीचे नहीं गिरते, हम चढ़ते जाते हैं, और देवताई गोद में गिरती कला भी आता है, कला कम होता है। अच्छा, लेकिन चढ़ती कला तो हर पल रहती नहीं ना हिमाली दी, हम गिरते हैं। नहीं, गोद में रहते नहीं है ना, इस वजह से गिर जाते। करेक्ट। तो इसका मतलब अभी हमारी ईश्वरीय गोद हर समय मेंटेन नहीं है फिर तो। हाँ, उससे तो ज्यादा चढ़ती गोद है, कम से कम मेंटेन तो है। नहीं, देवताई गोद में भी मेंटेन कहाँ है, गिरना तो होता ही है ना, पहला दिन से गिरने लग जाते हैं ना। हाँ, लेकिन 21 जन्मों तक के लिए तो गारंटी है भाई, सुख में रहेंगे। यहाँ तो सुख भी है दुख भी है संगम पर। ईश्वरीय सुख है। करेक्ट। और फिर कलयुगी दुख है। ठीक है, हम मंथन कर सकते हैं ईश्वरीय गोद। यहाँ पे दुख का हमें पता है, जो कंट्रास्ट पता जब चलता है तब वो सुख को ज्यादा भोगते हैं हम, वहां पे दुख का पता नहीं है तो वो सुख हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक तरफ मैं आपको कहूँ कि आप 5 मिनट सुखी रहो, 5 मिनट दुखी रहो, 100% सुख और 100% दुख, ये लोगी एक हाथ पे, या ये लोगी 70% सुख बट मेंटेन्ड, कौन सा लोगी? 70% सुख बट मेंटेन्ड। हाँ, थ्रू आउट। कौन सा लोगी? चाहकर भी दुख तो नहीं लोगी। राइट। पर दुख, दुख के बारे में पता चलेगा तभी ना हम उसको चूज करेंगे। जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, जैसे कड़वा चीज का अनुभव नहीं होगा तो मीठा की तरफ नहीं जाएंगे ना। लेकिन हम देवताओं के समय में सुख में रहते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, ऐसा थोड़ी अनुभव ही नहीं होता है। इतनी सुख की दुनिया है, दुनिया इतना जलती है उस जगह से हमसे कि हम वहां नहीं पहुंच पाए। नहीं, वहां का, वहां पे हमें महसूस होता है कि हम सुख में है। अब हाँ, सुख की दुनिया है, वो सुख में ही भरे पड़े हैं, हर चीज सुख है। ठीक है, हम सोच सकते हैं। ठीक है, ईश्वरीय गोद और देवताई गोद में क्या फर्क है ना। बाबा कहते हैं, चेतना बहन,
लिखते रहना। हाँ जी लिख। ओके बाबा कहते हैं इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है, इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र पाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं, ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी आते हैं परंतु तमोप्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमोप्रधान समझते ही नहीं है। बाबा कहते हैं किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके, खेल दोनों तरफ का है। मेरी बुद्धि लायक हो तो मेरी बुद्धि पात्र बनी, अगर मेरी बुद्धि लायक ना हो तो कभी पात्र भी नहीं बन सकती है, है ना। बाबा यही कह रहे ना कि अगर तकदीर में है तब तो बाप की, बाप का वर्षा, बाप की बातें, बाबा का ज्ञान बैठ सके, नहीं है तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। उदारचित होकर वो आते तो हैं, देने आते हैं, सागर है, सबको दे रहे हैं, लेकिन आत्मा में भरने की क्षमता ही नहीं है तो नहीं भर पाएंगे। इसलिए कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बाबा हवा में हाथ हिला रहे हैं, उछल कर ताली बजाने वाला कोई है नहीं तो आवाज नहीं आएगी, है ना। तो हमें उछलना है अपनी जगह से, जंप लगाना है, क्योंकि बाबा तो दे रहे हैं। तो ये सोच के बैठना नहीं है कि भाई मुझसे होगा नहीं, हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं, मुझे उछलना है और देखना है कितना ऊंचा उछल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है कि कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। कोई मुझे रिमाइंड कराएगा कौन सी नॉलेज नहीं है वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में? नॉलेज तो बहुत है वहां पर, किस तरह की नॉलेज नहीं है वहां? एनीवन? हमने ये डिस्कस किया है, ज्ञान तो बहुत है दुनिया में पर कौन सा ज्ञान नहीं है। हाँ संदीप भाई, एक तो आदि मध्य अंत का कभी उसमें जिक्र नहीं होता है। बाइबल में तो सारा जिक्र है, जेनेसिस कैसे शुरू हुआ, क्या होगा। आप लोगों को पता है मायन कैलेंडर आप पढ़े ना अभी एंशिएंट सिविलाइजेशन में, उसमें सब पता था कि आगे क्या होने वाला है, नहीं 2012 तक का तो स्पष्ट था। दीदी भगवान का ज्ञान नहीं था। कौन सा ज्ञान? कि भगवान किस रूप में है, कहाँ रहता है, क्या करता है वो आके। अभी तक तो हमने सिर्फ देवी देवताओं के रूप में भगवान को जाना था, लेकिन अब भगवान है उसको सही रीति से जानना है, वो ज्ञान नहीं था। लेकिन था ना, कई सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय सूर्य, गीता भी सुनाई, सारा ज्ञान भी है, नहीं? लेकिन उसे सही तरीके नहीं बताते ना कि वो करता क्या है आके। फिर उस पर कौन सी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। इवन तो उसमें भी मतलब का काम विकार की बात जीवन मुक्ति की, उनको सिर्फ मुक्ति पता है, वो कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति में आना है कि ड्रामा का राज नहीं पता है कि ये ड्रामा चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता। ड्रामा चलता ही रहता है मतलब कि सर्कुलर है। हाँ सेक्युलर है, और जैसे जीवन मुक्ति मतलब कि मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, वापस हमको आना है। वो लोग इसका नहीं, वो बोलते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष धाम चले जाओगे, वो उसकी हमें क्या फायदा हो रहा है? में मिल जाते हैं ना, वो कहते तत्वों में मिल गए तो मतलब उसी में मिल गए, समाप्त हो गए। पर हमें क्या फायदा हो रहा है इस बात से? हाँ मानसी बहन आप क्या बोल रहे हैं? दीदी ये नॉलेज नहीं थी हमें पहले, कोई शास्त्र में भी नहीं है कि जो स्वर्ग दिखाते है ना वो यहीं पे था, धरती इसी धरती पे, और जो मनुष्य है वही पहले देवी देवता थे, लेकिन शास्त्र में नहीं लिखा है मनुष्य ही देवी देवताएं थे। तो सिर्फ यही बाबा ने बताया कि मनुष्य ही देवी देवताएं थे, या फिर मनुष्य से देवी देवता बनने का रास्ता भी बताया? हाँ ये भी, यस। इम्पोर्टेंट बात तो कोई पकड़ ही नहीं रहा है, कौन सा ज्ञान नहीं है? मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान नहीं, यही हमने बोला ना, कौन सा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान तो बहुत रहता है देवी देवताओं को,
कितना ज्ञान है, आज उन्हीं के कारण ही तो हम लोगों को ये सब पता चल रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है और कॉस्मोलॉजी है और गणित है और विज्ञान है, सब कुछ कहाँ से आया है, वेदों शास्त्रों से ही तो आया है, और कोई तरीका थोड़ी है। लेकिन कौन सा ज्ञान नहीं अभी तक मिला और जो सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं, और उसी ज्ञान के कारण हम ये इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य पे चलाने वाली जो डगर है वो क्या है, वो हमें बाबा से मिलता है। बाकी जगह पे तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हम क्यों आए हैं ज्ञान में, क्यों आए हैं ज्ञान में? मनुष्य से देवता बने, बनना है ना देवता जी, तो वो बनने के लिए यहाँ आए हैं। वही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, हमारी पढ़ाई है देवी देवता बनने की। ये बात जहन में उतारनी है, क्यों आए हैं हम देवी देवता बनने, साधारण बनने नहीं, है ना? इसका भी रियलाइजेशन हमें कम है, हम यहाँ क्यों आए देवी देवता बनने, उतना श्रेष्ठ बनने जिसकी पूजा हमारे रंग रूप खत्म होने के बाद भी लोगों के मन बुद्धि में रहती है, मतलब जिनकी छवि इतना ऊंच से ऊंच भगवान के द्वारा ऊंच बनने, श्रेष्ठ बनने हम आए हैं। तो बुद्धि में ये बात रखनी है। बाबा कहते हैं यही ज्ञान नहीं है किसी भी, ना वेद में, ना शास्त्र में, ना ग्रंथ में। बाबा कहते हैं वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं, तुम बच्चों को रचता और रचना के आधी मध्य अंत की रोशनी देता हूं, वह फिर प्राय लोक हो जाती है। तुम ही इस दुनिया के नूर थे, अब तुम्हें ही बाबा नूर बनाने आए हैं। बाबा तो बाबा कहते हैं मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा, यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में है नहीं। यहाँ पर बाबा सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि सृष्टि का चक्र ऐसे फिरता है, गोल फिरता है। सृष्टि, बाबा कौन सी सृष्टि का बीज रूप है, बाबा किस चीज का बीज रूप है? चैतन्य सृष्टि, चैतन्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य या फिर और कुछ शब्द वहां यूज होता है, करेक्ट। तो मनुष्य, मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि की, हाँ। साकार सृष्टि का बीज रूप नहीं है बाबा, धरती का बीज रूप नहीं है बाबा, ब्रह्मांड का बीज रूप नहीं है बाबा, सूरज चांद का बीज रूप नहीं है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो मैं आत्मा कैसे परिवर्तन होती हूँ, मैं आत्मा कैसे चक्कर फिराती हूँ, ये बाबा बताते हैं। और यही कलयुग मना, ये नहीं जो बाहर दिख रहा है कलयुग मना, जो मेरे अंदर चल रहा है, ये पहले भी हुआ था 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होगा। तो मनुष्य सृष्टि को हम प्रकृति को भी बोलेंगे? नहीं, प्रकृति मनुष्य पर निर्भर है पर मनुष्य की सृष्टि नहीं है वो, पर वो तो प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तभी तो कहता है कि जब प्रकृति चेंज होगी अंदर और बाहर दोनों, वहां पे सत्व प्रधान होती है, वो भी तो चेंज होगी, वाया मनुष्य वाया होगी हमारे से, ऐसा नहीं है बाबा हमें साइड कर दे और प्रकृति बदल जाए, माने जब हम होंगे तभी प्रकृति होगी, अदरवाइज चांस ही नहीं, चांस ही नहीं, एक एक क्षण चेंज हो रही है हमारे से। प्रकृति मुझसे जुड़ी है, मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मुझसे प्रकृति जुड़ी है। प्रतिबंध यहाँ ऐसा भी तो है ना कि भाई प्रकृति के 5 तत्वों से तो हमारी बॉडी बनी है, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है, प्रकृति की, मनुष्य आत्मा और प्रकृति का खेल है ये, करेक्ट, आत्मा परमात्मा प्रकृति तीन का खेल है। हाँ, तीन का खेल है। बहुत अच्छा, तो हम समझे कलयुग कहाँ है, मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर है इसलिए बाहर है। उस सृष्टि को बाबा बदलते हैं, अंदर की सृष्टि को, बाहर तो बदल जाएगी ही, मैं बदलूंगी तो बाहर बदल जाएगी। तो बाबा कहते हैं यह है नई बात,
यह तो शास्त्र में है नहीं। लगी नहीं बात कि शास्त्रों में ये बात नहीं है कि इंसान को कैसे बदले, सोच कैसे बदले, कैसे उन्हें देवता ही बनाए, ये बात शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। क्यों धारणा में नंबरवार है? क्योंकि दृष्टि बाहर की तरफ रहती है, ये बदले ये बदले ये बदले, पर बाबा उनको या बाहर के घर घरों को बाहर के वातावरण को बदलने नहीं आए हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है, क्योंकि अपने तरफ देखते नहीं है, बाहर की तरफ देखते हैं। बाबा के ज्ञान से ये बदले, मैं नहीं बदलू पर मुझे बदल। तो बाबा कहते हैं कृतिबेन, कल हमारा एक क्वेश्चन था कि जैसे भगवान कहता है कि भगवान सेलेक्ट करता है या उस आत्मा को, कि उस इसी आत्मा का मतलब यही आत्मा मेरे को पहचान पाएगी या हाँ मतलब मुझे पहचान पाएगी और देवता बन पाएगी, या आत्मा का भी खुद का भी कुछ होता है, मतलब क्या है ये? ये क्वेश्चन शायद यहाँ क्लियर होने का चल रहा होगा ना? हाँ जी, ताली कभी भी एक संदीप भाई कल का क्वेश्चन अपना यही था ना? कल था कि आज सवेरे का? आज का था, आज का ही था। हाँ हाँ आज का ही था। हाँ वो एक्चुअली अभी अभी मुझे भी ध्यान आ रहा था कि जब कृति मैंने मतलब मुरली में बात की कि तकदीर है कि नहीं है, तो सागर तो अपना सब कुछ दे रहा है मगर मैं भरने की क्षमता रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, वो पॉइंट मुझे लगा कि वो मतलब उसके साथ एप्लीकेबल था। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी कुछ नहीं कर सकते, और बाबा बहुत बार बोलते हैं और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, कंबाइंड होना होता है दोनों के एम को, दोनों की विल को कंबाइंड होना होता है, देने वाले की भी विल हो तो लेने वाले की भी विल हो, कंबाइंड रूप में। इस सृष्टि में कोई भी काम सिंगल नहीं कर हो रहा है, हर चीज कंबाइंड स्वरूप में हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि बाबा सेलेक्ट करता है कि मैं सेलेक्ट करती हूँ बाबा को, दोनों जब दो मिलते हैं तो कार्य पूरा होता है, अकेला कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं कोई अच्छी सर्विस, कहने का मतलब ये है कि मिलन दोनों का ही हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन कौन आत्मा अपनी विल कर पा रही है, कौन आत्मा नहीं कर पा रही। करेक्ट, तभी तो मिलन है ना। मिलन एक जन कैसे करेगा? एक पॉइंट और आता है प्रतिबहन कि बाबा कहता है कोई एक भी ना रहे जिसको कि मेरे आने का पता ना लगे, मीन्स संगम पर बाबा हर आत्मा को ये चांस देता है, हर आत्मा को चांस। तभी बाबा कहते हैं एक भी बचेगा नहीं, तब तक ये बात पहुंचेगी जरूर, उसके बाद चॉइस आत्मा की होती है कि आई वांट और आई डोंट वांट। तो यहाँ पर दोनों की बात आई है तो बाबा ने वो समय अभी चल रहा है सोनिया बहन की आने वाले समय में, यही नहीं नहीं ये अभी संगम युग पूरा, तभी तो बाबा ने कहा कि एक बच्चा भी बचना नहीं पाए, एक भी मुझे उलाहना नहीं दे पाएगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, अब एक आत्मा भी उलाहना नहीं दे पाएगी, वो चांस सबको दे रहा है, अब उसमें से जो उसको चॉइस अपनी बना रहे हैं तो वो पा रहे हैं, जो नहीं बना, जो जितना चांस, जो जितना चॉइस अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, जिस पद की चॉइस बढ़ाते जा रहे हैं उस पद की बाबा मदद दे रहा है, पर जो जहां पर रुक जा रहा है वो उसकी अपनी चॉइस है, बाबा नहीं रोक रहा किसी को भी। करेक्ट, इसलिए बाबा कहते हैं धारणा भी नंबरवार होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मगर एक होता है कि ड्रामा में मेरा पार्ट होगा, कभी मैं उसमें मतलब मेरी खींच होगी, ये सोचना भी आपकी चॉइस है, इसको उल्टा समझना भी आपकी चॉइस है, ये भी तो कह सकते हो ड्रामा में पार्ट है ही इसलिए मैं करके दिखाऊंगा, इसको ऐसे क्यों लेते हैं कि ड्रामा पार्ट होगा तो कर लूंगा, वो भी आपकी चॉइस है ना। ड्रामा में है कि मैं बनूंगा, ये क्यों नहीं हो सकता लिखा हुआ? गलत उल्टा ही क्यों लिखा? बाबा कहते मतलब ऐसा लगता है कि हमें मतलब मेरी ही खींच होती है कि नहीं होती, तो अंदर से मेरी खींच हो रही है या कॉन्शियसली मैं वो खींच बना रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत होने का वेट कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है,
डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। जैसे हम किसी के कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा हो या डांस कर रहा हो, हम उसको तालियां देकर उमंग उत्साह देते हैं तो वो और भी अच्छा डांस करती है। ऐसे बाबा को भी उमंग उत्साह मिलता है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले होंगे, सॉरी वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है। बाबा कहते हैं मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। मतलब हम जो भी क्लास कर रहे हैं, आज हम जो भी क्लासेस कर रहे हैं, अगर उसमें सबका उमंग उत्साह नहीं है, दो जन चार जन ही बोल रहे हैं, तो वहां ज्ञान डांस नहीं हो पाएगा। ज्ञान डांस हो तो सबका संगठन के रूप में उसमें उसमें योगदान हो। ऐसा नहीं हो चार जन बोल रहे हो बाकी दस जने बैठे हो सुन रहे हो, है ना, ऐसा नहीं हो। सब लोग अपना अपना उमंग उत्साह दिखाएं, अपना अपना शक्ति को प्रदान करें, तो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकल के आएगी। तो बाबा कहते हैं ये सम्मुख का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? सम्मुख का मीनिंग होता है, एक तो होता है पर्सनल और एक होता है सामने, दोनों मीनिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सामने बैठे हैं तो ही हमारे लिए सम्मुख बात वैलिड है। पर्सनली जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, आपने बुद्धि में क्वेश्चन रखा, तो बाबा पर्सनली आके उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो पर्सनल रिलेशन है, वन ऑन वन। ओके, चाहे हम सामने बैठे हों चाहे नहीं बैठे हों, स्थूल रीति ना लें क्योंकि बाबा की कोई बात स्थूल रीति नहीं चलती, सूक्ष्म वन ऑन वन है। समझिए ना संदीप। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तो कभी मतलब मधुबन की बात होती है कि बच्चे जब मधुबन में आते हैं तो हाँ। उस समय भी वर्ड यूज करते हैं सम्मुख, तो वो सम्मुख फिजिकल लेवल पे हो गया क्या? नहीं, क्योंकि मधुबन में भी बैठे सामने लोग बाग की बुद्धि यहाँ जाती है कभी वहां जाती है, तो वो सम्मुख नहीं है बाबा के साथ, वो वहां है ही नहीं। देखो बाबा का कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट वैलिड नहीं है, बाबा वहां कैसे है, वाइब्रेशन से है, स्थूल सूक्ष्म में बाबा को आज जैसे अब हम लोगों ने गीता में समझा, मुझे उनको होल्ड करना है और उनको मुझे होल्ड करना है, होल्डिंग द गेज बोला ना सिस्टर डिनेस ने, उनकी आंखें मुझसे मिले और मेरी आंखें उनसे मिले, तो हम एक गेज होल्ड करते, एक नजर होल्ड करते हैं एक दो की तरफ, तो बाबा देख रहा है पर मैं देख नहीं रही हूँ, मेरी बुद्धि रूपी नेत्र मेरे कहीं और घूम रहे हैं, तो सम्मुख नहीं हूँ। ओके ओके, हर एक का अपना मतलब सम्मुख अपना अपना है, मतलब कि आप कितना उसके नजदीक या कैसे आप उससे कुछ किस भाव में हो, आप कितना पर्सनल हमने हमारा रिलेशनशिप उनसे बनाया है, है ना। तो बाबा बोलते हैं मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। यह भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था, डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाबा खुद डांस करने आते हैं, अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालने आते हैं, हमारे साथ रमने आ जाते हैं, एक होने आ जाते हैं, कंबाइन होने आ जाते हैं, हम कितने विलिंग हैं यह हमें देखना है। बाबा कहते हैं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, यह है ज्ञान की मूली, काठ की मूली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लड़की की लकड़ी की मुरली बजाएंगे, या किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ ना सके। मुझे ये समझ में आ रहा था कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि क्लासेस कितनी अच्छी चल रही है, हम लोगों का कितना अच्छा मंथन चल रहा है, तो दोनों ही तरफ से बातें हैं, हम सबकी विलिंगनेस भी है कि हम समझे, तो बाबा की विलिंगनेस है कि समझाए, है ना। अगर स्टूडेंट, जैसे बाबा ने आज मुरली में बोला, स्टूडेंट में जिज्ञासा ही नहीं है, स्टूडेंट में है ही नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने आप को बदलना है, अपने अहंकार को खत्म करना है, लक्ष्मी नारायण का पद पाना है, तो टीचर कितना भी चाहे पढ़ेगा नहीं। तो दोनों की तालमेल जब बैठती है तब रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो बाबा की शाबाशी है तो हमारी भी शाबाशी है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाकी कोई मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ ना सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं, जैसे कल्प पहले किया है
वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सत्युग में हुआ था वही फिर होगा। एक क्वेश्चन है कि जब बाबा कहते हैं हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, जैसे कि बाबा भी बंधा हुआ है, तो क्या इस बंधन में बंध कर बाबा दुखी है या सुखी है? वे दुखी सुखी से भी ऊपर है। दुखी सुखी से भी ऊपर है तो क्या है? आनंद में है। न्यूट्रल बोल सकते हैं, मतलब आनंद, न्यूट्रलिटी पर आनंद है ना, तभी तो सच्चित आनंद कहते हैं। सच्चित आनंद, बाबा बंधन में बंधने के बाद भी आनंद में है, तो ये कैसा बंधन है? 5000 वर्ष वेट करता है ना बाबा हमसे मिलने के लिए। करेक्ट, लेकिन फिर हम बंधन में बंध कर आनंद में क्यों नहीं है? क्योंकि हम देह के बंधन में बंधते हैं ना। अगर रूहानी बंधन अपने सत्य स्वरूप के बंधन में बंधे तो वो सुखदायी है वास्तव में। लेकिन बाबा भी तो शरीर में आकर के मुली चलाते हैं। हाँ, जब बाबा को खांसी चलती है शरीर से न्यारा रहता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बाबा को शरीर का बंधन नहीं हो सकता है। हो तो सकता ही है। हाँ मनीष भाई बोलिए। वो बंधन नहीं हुआ ना, हम बंधन में बिल्कुल मतलब शरीर के उसमें बॉन्डेज बॉन्डिंग जबरदस्त कर लेते हैं ज्यादा। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब शिव बाबा आते हैं उनका शरीर कम्प्लीटली यूज करते हैं, मुरली सुनाते हैं, बाबा सब करते थे। बाबा ने एक बार ये भी बोला है, मैं बच्चों के पांव भी दबाता था ब्रह्मादंत द्वारा। सब करते हैं बाबा, तो यूज करते हैं ना सिर्फ वो, तो सिर्फ वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ हम कर सकते हैं, हम करते नहीं। पॉइंट यही तो, करेक्ट, क्योंकि ये बंधन दुखदायी नहीं है। क्वेश्चन पॉइंट इज, ये बंधन दुखदायी नहीं है, दुख ही होना मेरी चॉइस है। चॉइस है। तो आज हम जिस भी गृहस्थ में हैं, जहां पर भी बैठे हैं, जो भी ड्रामा का सीन हमारे सामने आ रहा है वो दुखदायी नहीं है। दुख कहाँ है बताओ? मेरी चॉइस है, मैंने उसको मतलब मेरी मैंने उसे चूज किया है विलिंगली, वैसा ही सीखा है मैंने। अब भले हम ये कहें वैसा हमने सीखा है, लेकिन सीख कर भी उसे, अच्छा आपको कितनी चीजें सिखाई है बचपन में? आपने कौन सी इंजीनियरिंग करी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, और फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ पढ़ा होगा आपने, कॉमन। हाँ, तो वहां पर भी तो चूज किया ना आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को ही। सिखाया तो सब जाता है, चूज क्या करना है वो मेरे हाथ में। अभी भी तो बाबा सिखा ही रहा है, तो चूज करना अभी भी तुम्हारे ही हाथ में। अगर वो सिखाया तो ये भी तो सिखा ही रहे ना, तो हम क्या चूज कर रहे हैं? दैट इज अगेन करेक्ट। लेकिन जो चॉइस का संस्कार रहा है वो चाहे बाबा हो या नहीं हो जीवन में, रहा मेरा ही है। ब्लेम करने का संस्कार जो रहा है मेरा ही। आई चूज टू ब्लेम यू, आई चूज टू ब्लेम द ड्रामा का सीन, है ना? तो बाबा कहते हैं हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सत्युग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, सत्युग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी, वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, सत्युग में तो थे नहीं, जो सत्युग में थे वह फिर सत्युग में ही देखेंगे और कहीं देख ही नहीं सकते। कितना सुंदर ड्रामा बना हुआ है। सब सत्युग बनता है संगठन से, और संगठन परिवर्तन जब एक साथ हो, एक साथ एक संगठन एक लहर में बहे और वो लहर सत्युगी हो, तभी सत्युग आ सकता है। और कोई तरीका नहीं है सत्युग को लाने का। ये ड्रामा ऐसा बना है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, संगठन के साथ ही सब होना है। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है, माया सबसे पहले संगठन से ही दूर करती है, वहीं से हमें काटती है, इस पर भी ध्यान देना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि संगठन में बहुत पावर है, इसलिए माया वहां से निकालना चाहती है। संस्कार का मेल नहीं हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे हम देखते भी हैं हर जगह हम लोग
जहां जहां हम लोग कटना शुरू कर रहे हैं, किनारा शुरू कर रहे हैं, वो माया की चाल है। तो बाबा कहते हैं फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं। सत्युग में तो थे नहीं, जो सत्युग में थे वह फिर सत्युग में ही देखेंगे। सत्युग में कोई भी छी छी गंध करने वाली चीज हो ना सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है वा कम है। हम इतने मार्ग से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। बाबा विश करते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी कोई भी तूफान ना आए। बाबा की दिल होती है लेकिन आ जाते हैं। बाबा कहते हैं माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है। चलो, बाबा कहते हैं चलो जहां पर भी पहुंचे, जो भी पद पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अच्छे दिन सत्युग के दिन आ रहे हैं, बस धीरज धरो, लगे रहो। बाबा ने कहा तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्थापना होने के बाद तो जाना ही पड़ेगा, वहां पर फिर पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, प्रारब्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए ऊंचे से ऊंचा प्रारब्ध बनाने की हमें आज सर्विस करनी है। बाबा इस बात पर ध्यान खिंचाते हैं। बाबा कहते हैं स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पाठ है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है, भारत ही पावन था, कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, यह कल की ही बात है। मेरा क्वेश्चन ये है हम सभी से कि आज हम जब बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं तो पीस और प्रॉस्पेरिटी अनुभव हो रही है, किन किन को हो रही है? हाँ हो रही है कृति बहन, बहुत हो रही है कृति बहन। सिक्योरिटी आती है तो उससे सुख शांति प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आती है। करेक्ट, बेसिकली प्रॉस्पेरिटी जो ये जो गुण और शक्तियों से जो ये रिलेशन बन रहा है, इसमें प्रॉस्पेरिटी फील हो रही है, मतलब अंदर से एक अंदर से भरपूरता फील हो रही है जो बाहर की चीजों से कभी भी नहीं होती थी। कितना भी कुछ जाता था पर जब से ये रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है विद द गुण विद द शक्तियां तो लग रहा है कि नाउ आई एम प्रॉस्पेरस। ओके, तो संपन्न जब हमें ये फील हो रहा है तो हमें ये फील हो रहा है ना कि सत्यु कैसा होने वाला है। यस, बहुत स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हमें सत्युग पसंद नहीं है या हमें सत्युग के पद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ट्रू, बिल्कुल फर्क पड़ता है बहुत, क्योंकि मैं आज अनुभव कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ कि वो कितना सुखदाई है। क्योंकि उसका अंश मात्र हमें फील हो रहा है तो इतनी खुशी हो रही है, तो इतना अच्छा एलिवेटेड फील हो रहा है। तो जब वो हाईएस्ट लेवल पर होगा तो वो तो अब समझ भी आ रहा है कि वो कितना हाई होगा। लाइक वो ऑरा, जब जैसे आप सुबह योग कराते वो ऑरा की जो लेंथ है वो फील होने लगी है। तो मतलब हम अपनी चेकिंग करें, जब हम ये कहते हैं कि हमें पद से फर्क नहीं पड़ता, हमें सतयुग से फर्क नहीं पड़ता, हमें परिवार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा को पड़ता है, इसका मतलब मैंने समझा नहीं है, चखा नहीं है जो बाबा चख रहा है या जो बाबा चखाने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट इन टर्म्स विद दैट, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है जो बातें बाबा को समझ आ रही है, तो शायद मुझे और पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हम जब इस पुरुषार्थ को करेंगे तो हमें समझ में आएगा सत्युग कितना सुंदर है, लेकिन करेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सिमिलरली मतलब मैं ये नहीं कह रही हम बंदर हैं, पर मैं एक हिंट दे रही हूँ कि कभी पता नहीं चलेगा, और अपने पुरुषार्थ से ही पता चलेगा। यहाँ पे एक चीज और पता चल रही है कि जैसे बाबा कहते हैं वहाँ कई बार सत्युग के लोग जब
ग्लिम्स सुनते हैं तो वहां खाने की दरकार नहीं होती ना जैसे तो जैसे जैसे ये भरपूरता हो रही है खुशी की पीस की एंड ये सारे गुणों की, तो फील होता है कि सही में फिर भूख कहाँ लगती है, मतलब आप अंदर से इतने आपकी शक्तियां जब वो भर रही होती है, जब वो एक अपना जैसे पीस पर ही अगर थोड़ा सा वर्क कर रहे व्हेन यू आर फीलिंग दैट पीसफुल, तो वो शरीर वाली भूख आती कहाँ है आपको, तो वो भी समझ में आ रहा है कि हाँ वहां पर फिर खाने की दरकार नहीं होती। लाइक एक बार याद है आपने एक शेयरिंग करी थी कि जब हमको वो जो आपने स्वीट का किया था कि व्हेन लव इज आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉब्लम, वही रूहानी लव नहीं है तो मैं लव के लिए वो मीठा खाने के लिए दौड़ती हूँ कि मेरा वो चॉकलेट, हाँ चॉकलेट खाने के लिए, राइट। तो वो चीज अब फील हो रही है कि यस जैसे ये भर रहा है तो उधर की भूख खत्म हो रही है खाने पीने की या लोगों की, करेक्ट। ठीक है, बाबा कहते हैं कल हमने ही पाठ बजाया था, 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंधा हुआ है, हम चक्र लगा कर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा, जब बाबा याद आएंगे तो बाबा से मिल रही सुख शांति याद आएगी, तब पता चलेगा सत्यु कितना महान है। बाबा कहते हैं पहले पहले अल्प को जानना है, बाप कहते हैं तो मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भाव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है, इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। इस पॉइंट पे कोई विस्तार करेगा, कैसे समझ रहे हैं हम इस जन्म को जानने से पास्ट जन्म को, जैसे आज हम इतना संस्कार परिवर्तन करने में लगे हैं, एक एक हमारे संस्कारों को निकाल रहे हैं, तो कोई संस्कार कड़ा तो कोई संस्कार हल्का। हाँ संदीप भाई बोलिए। नहीं, मुझे तो वही लग रहा है कि कोई भी चीज जो कुछ टाइम बाद हो जाती है वो डाउन हो जाती है, यानी जैसे हम बात करते हैं सत्व प्रधान से तमो प्रधान, तो हम अपने आप से अंदर से फील करते हैं आज के दिन कि हम गिरे हुए हैं, तो कभी ना कभी हम मतलब दिन था ऐसा, मतलब उसके उस रेफरेंस में हम जान पाते हैं कि कहीं कभी ना कभी हमारी ताकत थी, आज वो ताकत गिरी हुई है। अच्छा, तब ये पता चलता है कि गिरा हुआ है तो समझ आता है कि कभी था, बहुत वंडरफुल। और बताइए, और किसी को कुछ समझ आ रहा है, इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। कृतिवेन कर्म फिलोसोफी को जानते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे जैसे कोई आत्मा के साथ हमारा ऐसे कुछ रिलेशन हो तो हम समझते हैं कि पहले का कर्म क्या था, कार्मिक अकाउंट से ही हमारा ये रिलेशन बना है, पर किस आधार से कार्मिक करने के लिए, करेक्ट, पर किस आधार से बना वो कैसे पता चलता है। चलिए ठीक है, लेकिन हम गहराई में जाने से कुछ ना कुछ पुराने पांच जनों की झलक समझ जाते हैं ना, ये मां दीदी आप यही कह रहे हैं जी। और बताए, ओके बाजी, और कोई बताएगा, कोई नहीं, नीतू बहन, अच्छा इस पर हम काम कर सकते हैं, इस पर मंथन कर सकते हैं कि इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। क्या हमें समझ आ रहा है कि पिछले जन्मों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या वो गुत्थी सॉल्व हो रही है, वो हम देख सकते हैं। और आगे की लाइन बाबा बोलते हैं, बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की, कितनी अच्छी बात है। हम जो ये संस्कार परिवर्तन में लगे हैं, खुद को देखते जा रहे हैं, साक्षी होते जा रहे हैं, अपने अहंकार अभिमान को तोड़ते जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जाकर अंदर से खोद खोद कर बातों को निकाल रहे हैं, तो ये हमारी हॉबी बन गई है ना अपने आप को मारने की, नहीं बन गई है क्या,
क्यों मनीष भाई संदीप भाई यस यस डेफिनेटली तो बाब तो क्या हॉबी बनी है बाबा को याद करने की तो हॉबी बनी है बाबा क्या कहते हैं जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है तुम हो ब्राह्मण तुम सत्य नारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है याद से ही विकर्म विनाश होते हैं यह एक ही हॉबी रूहानी है बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है अधर कुमारी कुमारी कन्या कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है उनको कोई बंधन नहीं है वह पति तो विकारी बना देते यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं स्वीट सागर में ले जाते हैं बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे हिम्मत रखते हैं फिर भी माया से लड़ाई तो है बाबा मानते हैं इस बात को कि हाँ आप लोग हिम्मत रख रहे हो माया से लड़ाई भी है कोई बात नहीं बाबा कहते हैं आगे तो यह बाबा है माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं बाबा ने कहा है कि जो भी तूफान बच्चों के पास जाता है पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा होकर गया है ऐसा हो ही नहीं सकता जो तूफान मुझे आया वो ब्रह्मा बाबा को नहीं आया हो नहीं सकता ये कायदा बाबा ने बनाया है बाबा कहते हैं बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ यह तूफान तो जरूर आएंगे पहले तो मेरे पास आते हैं अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे यह कोई नई बात नहीं है कल्प पहले भी हुआ है बाबा हमें पक्का करा रहे हैं तुमने इस विकार को इस ड्रामा के सीन को अपने इन संस्कारों को एक बार नहीं जीता है कल्प कल्प जीता है तुम्हारे अंदर नूंदा हुआ है तुम्हारे अंदर सल्यूशन भरा हुआ है कि कैसे मुझे इस ड्रामा के सीन को परिवर्तन करना है कैसे मुझे रावण को हराना है माया पर जीत पानी है भरा हुआ नई बात नहीं है तो डरो नहीं बस समझो कैसे करना है कोशिश करो हिम्मत रखो तभी बाबा कहते ना कल पहले भी हुआ था ड्रामा में पार्ट बचाया अब फिर वापस घर जाते हैं बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है कहते भी हैं कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर बना दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी बाबा का सब देखा हुआ है बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था दूध घी की जैसे नदियां थी यह तो महिमा देती है क्या मतलब है दूध घी की नदियां थी क्षीर सागर था सस्ताई थी क्या मतलब है इन सब चीजों का किसकी बात कर रहे हैं बाबा हर चीज की संपन्नता थी वहां पर मना क्या संपन्नता मतलब क्या मतलब पांचों तत्व सहयोगी थे हाँ सत्व प्रधान थे और अभी तो बाबा कह रहे हैं हाँ बोलिए सब अपने अपने 100% पे संतुष्ट थे मतलब वो इवन दो एक दूसरे का कंपैरिजन था मगर स्टिल एवरीबॉडी सेटिस्फाइड एंड संतुष्ट वो मसूल जो भी थी पर ये नदियां कहाँ बह रही हैं दूध घी की जैसे नदियां थी यहाँ क्या बात कर रहे हैं बाबा हाँ वो तो भरपूरता की मतलब उसको एग्जांपल दिया जाता है कि मतलब मुहावरा है एक तरह से और लालच भी नहीं थी तो अक्यूमुलेशन नहीं था मतलब बहुत कुछ अवेलेबल था सबके लिए क्या अवेलेबल था मतलब बेसिक नीड से सोना चांदी अवेलेबल थे हीरे मोती अवेलेबल थे हाँ खाना पीना मतलब जो भी एक सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए सब कुछ अवेलेबल था हाँ कृष्णा बहन बोलिए सुख शांति पवित्रता सात गुणों की भरपूरता थी अच्छा तो उससे क्या था कौन सी नदियां बह रही थी
हमारे अंदर ही नदियां बह रही थी प्रिया वाली, हमारे अंदर नदियां बह रही थी काय की, सुख शांति सब सर्व शक्तियों की नदियां बह रही थी, सर्व शक्तियों की नदियां बह रही थी, सर्व गुणों की नदियां बन रही बह रही थी, प्राप्तियों की नदियां बह रही थी। तो फिर जब बाबा यहाँ कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे उस समय तो बहुत सस्ताई थी, इसका क्या मतलब है? उस समय तो बहुत सस्ताई थी, हाँ ऐसा बोला है बाबा ने, उस समय तो बहुत की स्टार्टिंग में, दापर की स्टार्टिंग में थी ना सस्ताई। कैसे सस्ताई थी? चलिए ठीक है, कोई भी चीज चिंतन करेंगे, ठीक है सस्ताई। हाँ दूध घी की नदियों का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कृति बहन की, वहाँ की जो प्रकृति थी वो इतनी पौष्टिक थी, या दूध जैसे पानी था वहाँ का लेट्स से, तो वो इतना प्योर था, जैसे अभी हम बोलते हैं ना दूध घी खाओ तो उससे आपको पौष्टिकता मिलेगी, तो वो नेचुरल या नेचर नेचुरल रिसोर्सेज ही इतने प्योर थे उसका मतलब उसको उसके साथ कंपेयर कर दिया दूध और घी के साथ। पर चेतना बहन हमने अभी जितना भी समझा है जो अंदर है वो बाहर बाहर है, तो यहाँ से दूध घी की बातें कर रहे हैं बाबा। हाँ, बाबा तो दोनों वेद में, हाँ एक जैसे मन और बुद्धि वाला कह लो, जैसे हम जैसे अभी सभी ने डिस्कस किया कि अपने मन बुद्धि हमारे संस्कार या हमारी थॉट प्रोसेस, जैसे बाबा कहते हैं कृति वृत्ति सब कुछ प्योर था, ये हुआ ऐसे। दूसरी तरफ से अगर हम उसको वैसे भी लें तो शायद इट कुड भी, अगर नेचर को भी बोला होगा बाबा ने कि नेचर भी इतनी प्योरेस्ट फॉर्म में थी, करेक्ट, लेकिन बाबा तो कभी सत्ययुग में गया नहीं, हाँ उनको तो पता नहीं, क्यों अभी ने बाबा ने बताया मुझे सब कुछ पता है नहीं, बाबा को सृष्टि सृष्टि का पता है, बाबा ने कई बार सत्ययुग की जब बातें होती है ना तो आप नोट करिएगा, बाबा हमेशा बोलते हैं ऐसा होता होगा, जब बाबा सत्ययुग की बात करते हैं तो बोलते हैं ऐसा होता होगा, आप अगली बार से नोट करना, अच्छा ऐसा होता होगा, क्योंकि बाबा कभी सत्ययुग गए नहीं है, पर ड्रामा तो बाबा ने बनाया तो उनको क्या पता नहीं होगा, तो जो बाबा मतलब ड्रामा बाबा ने बनाया, हाँ बोलिए, नहीं मतलब ड्रामा में पार्ट उनका भी है तो पता, जैसे हम बोलते हैं ना वो आदि मध्य अंत को जानते हैं, जानी जानना तो जानता, आदि मध्य अंत को जानते हैं हर चीज जो जब से चाहे, अब जैसे हम सत्युग को ही ले रहे हैं ठीक है, हम बोल रहे हैं सत्युग में सब जानता तो होगा ही ना, नहीं भी गया होगा तो बाबा किसका बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि रूप का, करेक्ट, प्रकृति का बीज रूप नहीं है, क्या जानते हैं बाबा, कौन सा ज्ञान देते हैं, अच्छा तो मतलब उनको सिर्फ मनुष्य से ही मतलब है, माने बिल्कुल सिर्फ आप आत्मा से मतलब है, ओके ओके, तभी तो कितनी बार बाबा को बोलते हैं बाबा मेरे को ये बीमारी हो गई, बाबा बोलते हैं मैं ये ठीक करने थोड़ी आया हूँ, बोलते हैं ना वो तो पांच बाबा से पूछते हैं घर बनाए ये बनाए, भले बनाओ पैसे पड़े तो बना लो, क्या एक्यूरेट समझा रहे हैं, फिजिकल लेवल पे नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कि उन्होंने ये भी हो सकता है कि जैसे बाबा कहते हैं कि सत्युग में सब जैसे मनुष्य का ही बात करते हैं या मतलब आत्माओं की आप ऐसे से बनोगे, तो ये मतलब अंडरस्टूड फैक्टर है कि प्रकृति ऑटोमेटिकली ही ऐसी होगी, तो उनको उसके बारे में पता है, जैसे अभी है अभी हम तमो प्रधान है तो प्रकृति ऑटोमेटिकली तमो प्रधान है, करेक्ट, हम सत्व प्रधान होंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब इट्स अ ऑटोमेटिक थिंग लॉ, हां इट्स अ लॉ, तो ही डज नॉट नो इट, ही डजंट वांट टू नो इट आल्सो, ही डज मना, उनको जानने की दरकार नहीं, दरकार जानते नहीं, हाँ, मतलब, पहले जानने, लेकिन वो सिखाने नहीं आए हैं बाबा, नहीं जैसे अब हम ही लोग को पता है, जैसे अभी आप ही बोल रहे थे कि भाई जब हम हमारे अंदर की सृष्टि बदलेगी तो ऑटोमेटिकली बाहर बदलेगी, तो अब हम बाहर वाली पे ध्यान नहीं दे रहे कि बाहर लोग बदल रहे हैं, वातावरण बदल रहा है नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है दैट मीन्स हम लोग अभी अंदर से नहीं बदले है, जब हम बदलेंगे तो बाहर बदल जाएगा, इट इज दिस लाइक दैट, करेक्ट, बाबा सारा ध्यान खिंचाकर आत्मा पर लेकर आता है, आत्मा को समझो, आत्मा करा समझो, हाँ संदीप तो ये आदि मध्य अंत जो हम बात करते हैं तो सोल की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो देन कोई आदि मध्य अंत कुछ हुआ ही नहीं फिर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो संगम पे शुरुआत हुई, मतलब देयर इज नो स्टार्ट मिड एंड एंड राइट, देन सोच सकते कौन सा आदि है, किस चीज को आप आदि कहोगे, किसको अनादि कहोगे, किसको मध्य कहोगे, किसको अंत कहोगे, आपकी डेफिनेशन है, बताइए, आप बुद्धि लगा के बताइएगा, बुद्धि से सोच के बताइएगा, ऐसा नहीं जो सुना हुआ है,
अकॉर्डिंगली आपके लॉजिक के हिसाब से कौन सा आदि होना चाहिए? आदि किसको? फिर तो संगम युगी आदि होना चाहिए ना, हमारी शुरुआत तो यही से हुई है सत्ययुग में से। यहाँ से हम उड़ते, हम यहाँ से जैसे चढ़ती कला में जा रहे हैं, तो हम इसको ही आदि बोलेंगे। सत्ययुग में तो हम पहले जन्म के बाद गिरते ही नीचे आते हैं ना। करेक्ट। आदि का मतलब क्या होता है? यहाँ से शुरू हुआ। शुरू का मतलब क्या होता है? सोचेगा, मंथन करेंगे, ठीक है। आदि मध्य अंत किसको कहा जाता है, आदि का मतलब क्या है वो सोचते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, यह तो महिमा देती है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है, बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था, यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे? बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है। देख रहे हैं क्या हमारे सामने विनाश खड़ा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है, फिजिकल लेवल पे तो ज्यादा दिख रहा है, पर बाबा कौन से लेवल पे देख रहे हैं? हाँ जी, दिख रहा है, विनाश तो कर रहा है हमारे अंदर का रावण को। शाबाश हिमा दीदी, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है स्व पे। तो किसका विनाश दिख रहा है? स्वयं के संस्कारों का, स्वयं के संस्कारों का विनाश दिख रहा है। दिख रहा है। तो आप कौन से स्वरूप में खड़ी हो? दुर्गा खड़ी हो, काली खड़ी हो, शिव शक्ति हो ना? मैं अभी काली खड़ी हूँ। काली खड़ी, ठीक है। तो विनाश सामने खड़ा है, नहीं हम विनाश को सामने ला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं हम। अब हम आह्वान कर रहे हैं ना सारे कमजोर संस्कारों का, निकले और हम उनको खत्म करें, यही कर रहे हैं ना, एक एक चुन चुन के निकाल रहे हैं। तो हम कौन से रूप में हैं? शक्ति स्वरूप में खड़े, शक्तिशाली हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र मिला है। संदीप भाई आपकी तरफ से ना बहुत आवाज आ रही है, और आपकी आवाज नहीं आ रही, खड़खड़ आ रही है। बाबा कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र मिला है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है, खुशी होती है। आज सुबह फिरा था स्वदर्शन चक्र? आज अमृत वेला में फिरा था स्वदर्शन चक्र या नहीं फिरा? हाँ जी, हाँ जी। किसका फिरा स्वदर्शन चक्र? मेरा फिरा था। मेरा भी फिरा था, लेकिन कौन फिरा था? कौन फिरा रहा था? आत्मा। आप भी फिरा रहे थे, हम भी फिर रहे थे। नहीं, लेकिन आत्मा फेरी थी ना, मैं आत्मा अपना रूप देख रही थी, शरीर तो कहीं था ही नहीं उसमें, था कहीं शरीर? सिर्फ आत्मा की स्थितियों को हम देख रहे थे। इससे सिद्ध होता है आज के अमृत वेला के कमेंट्री से और इस मूल्य से सिद्ध होता है कि बाबा मुझ आत्मा, सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहा है, क्योंकि वो कॉमेंट्री भी बाबा कराते हैं और मूल्य भी बाबा सुनाते हैं। तो लग रहा है कि बाबा किस लेवल की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने आज अमृत वेला किया। बाबा कहते हैं यह, हाँ संदीप भाई बोलिए। संदीप नहीं, मतलब हाँ, अपने अपने इसे प्रकृति के हिसाब से या कोई नींद पूरी ना होने के हिसाब से कभी वो मतलब कंप्लीट उसमें इन्वॉल्व नहीं रह पाते हैं, तो वो हाँ। पूरा चक्र बोलने के लिए तो वैसे हमको मालूम है कि वो चक्र फिरता है, मगर विद द फ्लो जब अमृत वेला चल रहा होता है तो वो उतना चक्र नहीं फिर पाता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन आपको नहीं, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप दोबारा उस कमेंट्री को सुनिएगा आज की, मैं बहुत आश्चर्य ओके, क्योंकि बाबा ने जिस तरह का कमेंट्री आज कराया वो पूरा ही आत्मा पर निर्भर था। उसमें हमने जब हम देव स्वरूप में गए, आदि स्वरूप में आए, तो हमने कपड़े नहीं देखे,
ये ऐसे नहीं देखे कि देवताएं ऐसे सजते हैं, हीरे मोती हैं और सुंदर महल सामने, हमने क्या देखा? आत्मा का प्रकाश देखा, प्रकाश देखा, सातों गुणों की शक्तियों को लहराते देखा, यही देखा ना। तो उससे, उस कमेंट्री से और इस मुरली से सिद्ध होता है कि बाबा कौन सी बात स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत वंडरफुल है ना, क्योंकि हम अमृत वेला बाबा के ही संकल्पों को कैच करते हैं, बाबा ही नरेट करते हैं क्या करना है। बाबा ने कहा, खुशी होती है इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे, उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। तीन हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं, तुम तीन हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है, महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, पुराने संस्कारों को अलविदा देते जा रहे हैं, जलाते जा रहे हैं, अंतिम संस्कार करते जा रहे हैं, तो हम दुख को विदा दे रहे हैं ना। संदीप भाई, कल आपने जब बोला कि मैं बहुत डिटैच होकर देख रहा था, क्लास को सुन रहा था सुबह कल की गीता, और दिन में भी आपने शेयर किया कि मैंने अपने आप वो बात को होने दिया, मैंने कुछ मेहनत नहीं करी, तो कितना सुखदायी वो अनुभव था, नहीं था? करेक्ट। तो यही तो हम देख पा रहे हैं आंखों से कि हम दुख से सुख की तरफ जा रहे हैं पुरुषार्थ करके, राइट। बाबा कहते हैं, मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मानी है अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है, बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतनी ही कट निकलेगी, जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना, तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान। बाबा कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, रात दिन का फर्क है। यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं, बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब जो बची कुची थी वो भी बाबा के आने से शुरू हो गई, क्योंकि बाबा तो साथ में क्या लेके आया है, विनाश का झंडा। बाबा कहते हैं, अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, अभी की बात गाई जाती है, देखते हो कि कितना पुकारती है। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है, कौन सा, द्रौपदी जो कारी थी ना, उसकी बात बाबा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह बाप जाने और बच्चे जाने और ना जाने कोई, ये मेरी और बाबा की सीक्रेट बात है, सिर्फ मैं और बाबा ही समझते हैं। मतलब हम बच्चे और बाबा ही समझते हैं कि हम कैसे इस माया रावण से जीत पाने के लिए लड़ाई करते हैं, कैसे कैसे युक्ति रचते हैं। बाहर से देखने में तो बड़े साधारण लगते हैं, लेकिन अंदर हम कितने बड़े महावीर हैं, शूरवीर हैं, जो हर पल लड़ रहे हैं और हर पल जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं, आगे चल सबको समझने का है, गाते भी हैं, पतित पावन सर का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है, आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। किसी ने वो सर्च किया था क्या कि सूरज की भी हाउ सन इज ट्रांसफॉर्मिंग, किसी ने देखा था? अगर नहीं देखा तो आज उसको हम देखेंगे। चेतना बहन, आप लिख दीजिए प्लीज ये क्वेश्चन। बाबा ने कहा, यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो।
पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। कैसे हो रही है स्थापना पवित्रता सुख शांति की? मानसी बहन आप बताओगे कैसे हो रही है? हाँ जी बोलिए। पवित्रता सुख शांति की स्थापना जैसे हम अपने जो संस्कार हैं, हाँ, प्योरिटी मतलब जो भी विकार है जब हम उनको अभी हम कर रहे हैं जो प्रोसेस के साक्षी होकर के उसको या तो फील करना या तो उसको पास होने देना उसको मारना तो उसी से फिर हमें जो फीलिंग्स आती है अच्छी वाली दैट इज प्योरिटी एंड सुख एंड शांति स्थापना हो रही है तो उससे हमें दुनिया के बारे में क्या पता चल रहा है इस पर मंथन करेंगे है ना। एक तो होता है कि अंदर क्या हो रहा है और एक हो रहा है बाहर क्या हो रहा है उसका प्रभाव बाहर कैसा दिख रहा है ये भी हमें समझना है ताकि हम तैयार है ना कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। ये क्वेश्चन क्यों राइज हुआ क्योंकि बाबा कहते हैं पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो हमें सब कुछ भी जानना है और इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानना है अंदर का भी जानना है और बाहर का भी जानना है हमें सब कुछ जानना है। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे यह आकर समझो। टॉपिक बहुत है तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही भरपूर हो गया है खुशी का कितना पारा चढ़ता है सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे वहां फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुही ये बातें समझने की है बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना तो यह चक्र 84 का है अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। पहले क्या करना है मनुष्य को कैसे समझाना है? हाँ हिमा दीदी हाँ संदीप भाई बोलिए अपने 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 एग्जांपल से चरित्र से चिंतन करके पहले खुद को क्लियर करना है फिर समझाना है। और क्लियर कैसे करेंगे चिंतन भी करेंगे और अनुभवी मूर्त भी बनेंगे चिंतन करेंगे युक्ति लगाएंगे जो युक्ति चलेगी सफल होगी फिर उस निकले हुए मक्खन को सबके साथ शेयर करेंगे ऐसे करते ना हम अभी भी। तो बाबा कहते हैं इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे सत्युग अलग है कलयुग अलग चीज है यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है। सत्युग अलग और कलयुग अलग है ये भी हमें चिंतन करना है कैसे सत्युग अलग है और कैसे कलयुग अलग है हमारा पुराना जो क्वेश्चन था उसके साथ में ये ऐड होता है। बाबा कहते हैं यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है समझानी अच्छी लगती है परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे यह बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा मम्मा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग थैंक यू मीठे बाबा थैंक यू। चलिए अब मनीष भाई धारणा के लिए मुख्य सार बताइए दो मिनट दीजिए। ओके लेकिन मनीष भाई एक और बात आप को होस्ट बनते हो तो को होस्ट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी सीखकर सिखाना है सिखाना सबसे पहले अब आपको पढ़ना है फिर पढ़ाना है ठीक है कल से सिर्फ टेक्निकली को होस्ट नहीं बनना है टीचर का को होस्ट हो आप ठीक है जी बहुत अच्छी बात है तो कल से हम आपसे सब बातें शुरू करेंगे सब कुछ ओके ओके ठीक है तो श्री दीदी आप बताएंगे धारणा। हाँ बाबा ने जो कहा ना कि आज धारणा के मनुष्य से देवता बनना है तो मनुष्य से देवता बनने में जो जो सूक्ष्म सूक्ष्म हमारे अंदर अंश भी है विकारों का उसको रिकग्नाइज करके बस
क्लीन करना है, तो ये धारणा का पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, तो स्वयं को ही देखते रहना है ना, स्वयं को देखना है 100%। ओके वंडरफुल। हाँ हिमा दीदी आप बताइए। मुझे आज डांसिंग गर्ल बनना है। अच्छा ठीक है, क्या करोगे डांसिंग गर्ल बन के? डांसिंग गर्ल बन के अनुभव करूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके हिमा दीदी, फिर अनुभव शेयर करना क्या अनुभव हुआ। जी जरूर। ठीक है तोशी दीदी आप भी बताइएगा कौन कौन से विघ्न पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम आई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मानसी बहन बताइए। दीदी मैं भी ना आज जैसे आपने बोला ना कि बाबा रमने आते हैं जब हम ज्ञान में डांस करते हैं, तो ज्ञान का सोचते हैं, तो आई वांट टू फील कि आज मैं कुछ लेके बैठूंगी एंड फील करूंगी कि सच में बाबा ऐसे हेल्प कर रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। वेरी गुड। तो आई विल डू दैट, रिश्ता बनाओगे? डांस करूंगी बाबा के साथ थोड़ा ज्ञान का सेम। ठीक है बताइएगा फिर कैसा रहा, कौन सा डांस किया। हां जी हां जी ठीक है चलिए। हाँ चेतना बहन बताएंगे आप। हाँ कृति बहन, जैसे बाबा ने आज बोला ना हॉबी, हॉबी का मतलब एक दिन के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, तो एक दिन में तो होगा नहीं, तो बाप को याद करने की हॉबी बनानी है। क्योंकि एक पॉइंट और भी था जैसे बाबा ने, दोनों को दिमाग में जो मेरे उसी टाइम हुआ कि बाबा ने कहा कि ये दुनिया खत्म हो रही है अब ना घर जाना है, तो किसी को भी नहीं देखना है, सिर्फ एक बाप को देखना है, उसको अब एक हॉबी बना लो, मतलब ऐसा नहीं कि आज के लिए कोई पॉइंट उठाया कल के लिए कोई दूसरा, जिसको भी हॉबी में ही रखना है कि बाप को ही याद करना और कुछ भी नहीं करना है, देख के भी कुछ नहीं देखना है, सुन के भी नहीं सुनना है। ओके तो आप मजबूरी बना रहे हो या हॉबी बना रहे हो? नहीं हॉबी, हॉबी तभी मैंने कहा ना हॉबी ही बनानी। हॉबी में क्या होता है, हॉबी इज ऑलवेज जैसे भी आपने बोला खुशी खुशी करते हैं, उसके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। जो अपनी हॉबी होती है किसी भी चीज में बिजी क्यों ना हो, अपनी अगर मान लो सिंगिंग है डांसिंग है तो आप निकाल ही लोगे टाइम, जैसे मेरा प्लेइंग है मैं निकाल ही लेती हूँ टाइम, चाहे मैं कहीं कैसे कैसे करके निकाल लूं। जब ये हॉबी ही बन जाएगी कि किसी और को देखना ही नहीं है, क्योंकि अब घर जाना है सिर्फ बाबा को ही याद करना है, तो फिर वो हमेशा के लिए बन जाएगी ना। ठीक है तो अब आप विधि बताएंगे कि आपने हॉबी कैसे बनाई। हाँ बिल्कुल, और वो कैसे बनने का जो तरीका है वो मजबूरी नहीं हो सकता, सुखदायी होना चाहिए। करेक्ट, और वो एक दिन में नहीं बनेगी, दैट इज देयर, पर मैं विधि को करूंगी, मतलब एक दिन में नहीं बन सकती हॉबी, युक्ति लगाओगे आपको। हाँ युक्ति, बट इट विल रिमेन इन माय माइंड नाउ ऑलवेज, चाहे कल को कोई और भी धारणा का पॉइंट आएगा पर ये अब दिमाग में रहेगा कि इसको हॉबी बनाना है। ओके 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 थैंक यू चेतना बहन। हाँ कृष्णा बहन आप बोल सकते हो या गाड़ी चला रहे हो? ठीक है नीतू बहन आप बोल सकते हो। अच्छा पूनम बहन बोलिए। ओम शांति पूनम बहन। ओम शांति दीदी बताइए। दीदी आज बाबा ने कहा है कि ड्रामा का कोई भी सीन गलत नहीं है, केवल उसको देखने के ऊपर है कि हमें उसको देखना कैसे है, मतलब हलचल में नहीं आना है किसी भी सीन को देख के। हाँ जी तो आज की मुरली से ये धारणा मैं लूंगी कि सारे दिन में जो भी सीन आ रहा है तो कोई भी सीन गलत नहीं है। अच्छा ठीक है ड्रामा के अनुसार। ठीक है तो विघ्न बताइएगा क्या पड़े। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है, यज्ञ में विघ्न पड़ते ना तो वो विघ्न बताइएगा और आपने क्या युक्ति लगाई। हाँ जी दीदी बिल्कुल। ओके हाँ नीतू बहन बताइए। हाँ दीदी मुझे ये देखना है कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो जैसे चात्रक होते हैं तो उनके सामने बाबा बहुत अच्छा ज्ञान डांस करता है, तो मुझे ये देखना है कि सारा दिन बाबा मुझे कैसे टचिंग देता है, या तो क्लासेस के थ्रू आपके थ्रू मतलब जो भी हमारे चल रहा है, तो क्या मैं वो चात्रक हूँ, क्या वाकई बाबा मेरी हर हर सोच को देख रहा है और मुझे टच कर रहा है कि बच्चे के अंदर ये उलझन चल रही है तो चलो इसको ये ज्ञान दो, मतलब ज्ञान ही है जो कहीं किसी भी सोर्स से हमें मिल रहा है बाबा का ज्ञान, तो मुझे देखना है क्या मेरी अवस्था ऐसी रहती है कि बाबा मेरे सामने सुंदर सा डांस करे ज्ञान का। ओके तो आपको पर्सनल रिश्ता बनाना है बाबा से। जी 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 चलिए बहुत बढ़िया। संदीप भाई बताइए। मेरा एक्चुअली मैंने भी वही हॉबी वाला वर्क किया था कि आज मेरी हॉबी नहीं है कि मैं मतलब इजी लेवल में बाबा को याद कर सकूं, तो वो हॉबी के लिए मुझे कुछ एक्शन आइटम्स चाहे वो घंटे घंटे के हिसाब से या जो भी, मतलब मैं वो उस पे मंथन क्या मतलब दिन भर अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा कि मेरी वो हॉबी क्यों नहीं बन पा रही है, हॉबी क्यों नहीं बन पा रही है, वो मतलब हर एक्शन में चाहे जो भी चीज सामने आती है उसमें वो मेरी मतलब मुझे खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ या
तो वो मतलब मुझे एक सहज वे में मेरे रूटीन में मैं याद करके उस हॉबी बना के उससे खुशी ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, जबकि छोटे छोटे एक्ट करके हमको वो उनको खुशी हुई है, मगर एक कंटिन्यूस वे में कि कहाँ कुछ मिसिंग है उस पे थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन रखूंगा। ओके वंडरफुल, सदाकाल का बनाओगे आप। ठीक है, हाँ मनीष भाई बताइए। मेरा भी यही है जो संदीप भाई बोले और चेतना बहन ने कि आज का जो प्रश्न तो एक्चुअली है कि संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो। करेक्ट, हाँ ठीक है। तो लेकिन हम हॉबी को नॉर्मली क्या है कि शुरुआत करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, धीरे धीरे भूल जाते हैं और चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इस बाबा को याद करने की, बाबा के साथ में रहने की हॉबी को भूलना नहीं है, तो इसके ऊपर काम करना है और अपने लिए एक्शन पॉइंट्स बनाने हैं, प्रायोरिटी बनाना है। यस, क्या लाइफ है हो जाए जहाँ पर हॉबी प्रायोरिटी हो जाए। यही हमारा सत्य होगा। करेक्ट, क्या कुछ काम नहीं होगा, हमारी हॉबी हमारी प्रायोरिटी होगी, कितना सुखदायी होगा। ठीक है, थैंक यू मनीष भाई। हाँ शकुंतला बहन आप बताएंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। बुद्धि से बाप और घर को याद करना है, ये मेरी धारणा कल की भी यही था, जी उस पे मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई, उसको मैं कंटिन्यू करूंगी, आज भी बाबा ने मुरली में ये कहा। ठीक है, बताएंगे फिर कैसे हुआ क्या हुआ जब आप विधि शेयर करें, है ना, ताकि औरों को भी फायदा हो। ओके थैंक यू शकुंतला बहन। मेरा ये रहेगा, मेरा धारणा ये रहेगा कि जैसे आज अमृत वेला में बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि मैं आत्मा ट्रैवल करती हूँ, मैं आत्मा ने 84 जन्म दिए हैं, एक शरीर ने 84 जन्म नहीं लिए हैं, मुझ आत्मा ने 84 जन्म दिए हैं। तो मेरा भी ध्यान ये रहे कि दिन भर मैं कैसी यात्रा करूं, कौन सी यात्रा कर रही हूं, कहां कहां भाग रही हूं, कहां कहां जा रही हूं, ये मेरी आज की धारणा रहेगी। चलिए बाबा की धारणाएं बताते हैं। बाबा ने पहला पॉइंट बताया है, कोई कुछ बोल रहा है? नीतू बहन आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, पहला पॉइंट बाबा ने बोला है, इस पुराने देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा पॉइंट बाबा ने बोला है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पुर ना भरपूर रखना है, देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटका नहीं खाना है। गुटका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आज का वरदान बाबा ने दिया है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है, और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली जब मैं आत्मा अपने आप को देखूं तो ये देखना है कि कौन सी लाइट मुझसे निकल रही है और लाइट कहाँ से आती है। हमारा अगर ऑरा भी बनता है, अगर हमारे वाइब्रेशंस भी दूसरे तक जाते हैं, तो वो बनता किससे? संकल्पों से। और संकल्प कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। और अगर मेरे अंदर विकारी नहीं है तो वो संकल्प विकारी हो नहीं सकता। तो मुझे ये भी चेक करना है कि मैं संकल्प क्या क्रिएट कर रही हूँ, और ये भी ध्यान देना है कि जो संकल्प क्रिएट करने का संस्कार है अंदर, विकारी संस्कार है, वो कौन सा है और उसे परिवर्तन करना है। तो बाबा ने स्लोगन दिया है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। अच्छा, ओम शांति। बताइए। मैं पूछ रही हूँ दीदी कि जो अपना YouTube का लिंक है मुरली का, ये लाइव आ रही है या रिकॉर्डिंग आएगी? रिकॉर्डिंग आएगी।